मेरे YouTube फैमिली, कैसे हो आप लोग? आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन ब्लॉगर लाखीजा में। सुबह का टाइम है, अभी चाय भी नहीं पी हूँ, बाहर झाड़ू कर रही थी और मुझे क्या मिला है वो आप लोग देखिए, जो देख के मुझे इतनी खुशी होती है। बिल्कुल अभी झाड़ू कर ही रही थी तो वो जो बाइक से भैया जाते हैं सब्जी लेके खेत से आते हैं तो एकदम से बोले कि देसी टमाटर लेना है तो ले लो, तो ये देखिए मेरे थोड़ा कम में तो गुजारा नहीं है, देख कितना सारा मैंने देसी टमाटर ले ली हूँ। और उसके साथ साथ मैंने बोली कि धनिया दे दो, ताज़ी ताज़ी खेत की तोरी हुई, ये धनिया दे दिए उन्होंने थोड़ा। और बहुत ही मतलब अच्छा लगता है जब मुझे ऐसे टमाटर मिलता है, तो बहुत कम मिलता है ऐसे टमाटर, उनका होता है थोड़ा रेट इनका महंगा होता है। थोड़ी सी ले ली मैंने लहसुन, क्योंकि बहुत महंगी है और इन्होंने 50 रुपये पाव लगाए हैं तो लहसुन ले ली। और कौन बैठा है आंगन में इंतज़ार कर रहा है मेरा, चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए आप लोग विश्वास नहीं करोगे, ये देख लो आंगन साफ ही कर रही थी ना, आके ऐसा बैठ जाता है, ऐसा आके बैठ जाता है जैसे सो ही गया, उठ जा भाई साहब, रूठ जाता है जैसे रूठ जाता है। इसको मैं थोड़ा धो के लाती हूँ, धूल उड़ा है ना तो गंदा पड़ गया। अब ये देखिए इसका नाटक, देख नीचे भी गिर गया ना तेरा उछलना कूदना के चक्कर से। अब ये पी लेगा और सीधे ही चला जाता है, इसका टांग जो एक टूटा ना ठीक नहीं हुआ अभी तक। पहचान इसको, वो दूध लेने जाऊंगी तब भी साथ जाएगा, दूध लेके आऊंगी तब भी साथ आएगा, तो पी लेता है। मैं भी जा रही तब तक चाय बनाऊंगी, थोड़ा मुझे जुकाम सा, हवा चल रही ना सुरसुरी वाली। और ये देखिए कितना पत्ता गिरा है, सारे जमा की हूँ, आग लगाऊंगी उसे मैं, आग आगे साफ करके। चलो ये पी लेगा ना, गेट बंद कर देना सब प्लीज, मैं जा रही हूँ अंदर। एक चीज़ तो दिखा दूँ आप लोगों को जाने से पहले, ये देखिए मुझे सरसों भी हुआ है, ये देखिए उगाया सरसों। और मैं बताऊँ आपको मेरे मटर भी हुए, ये देखिए ये दाने मटर भी हुए। किसी को चाहिए होगा, चार फली मटर की निकली है और सरसों तो खूब निकली है भाई, चाहिए होगा किसी को तो। देख अब नीचे का भी चाट लिया, अब जा 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 जा, जा अब इसको सब भगा दे, नहीं तो ये बैठा रहेगा यहीं पे। कौन आया है? हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, ले 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 मेरी प्यारी बेटी रानी, कितनी क्यूट लग रही है, आज कैसे कहे कुर्सी पे बैठ जा तू। डॉल भी लेके आई है, ओ हो क्या नाम है डॉल का? शिमरन नाम है। हाँ। मारूंगी तेरी डॉल को, तो दोनों डॉल और बच्चा दोनों पिंक पिंक। आजा धूप पे बैठना है, लिपस्टिक दिखा लिपस्टिक। अरे तुझे ठंड नहीं लग रही बेटू? नहीं। चलो आप हाँ ठंडा हो गया तेरा, इधर बैठ यहाँ, आप चेयर पे बैठो। कौन डर जाएगा? नहीं चलेगा, तेरे स्किन जल जाएगा। अरे बाप रे, ये डॉल कौन है? लिपस्टिक भी लगा दी इसको? इसका नाम मैंने दर्शिका रखा है। तूने दर्शिका रख दिया? हाँ। इसका नाम तो ये देख यहाँ लिखा हुआ है शिमरन। ये शिमरन नहीं है, दर्शिका है। अच्छा दर्शिका है, शिमरन नहीं है। हाँ। तू तो शादी में जा रही है बेबी की। हाँ। हैं? ड्रेस खरीद ले तूने सारे? हाँ। लहंगा खरीदी? हाँ। एक मेरे लिए भी खरीद देना। अरे लहंगा तो मैं भी पहन लूंगी लहंगा। मैं भी लहंगा पहनूंगी, मेरा भी मन कर रहा है। नहीं खरीद सकती तू मेरे लिए अच्छे से? तू बोली थी ना मैं आपके लिए अंगूठी खरीदूंगी, तो अब अंगूठी मत दे मुझे, लहंगा दे दे बेटा। लहंगा लो दे दिया। ये लहंगा है, मारूंगी ना। ये ड्रेस बड़ी प्यारी लग रही तेरी, कब खरीदी? जैसे तू है वैसे तेरी डॉल है, सेम डिट्टो है दोनों आज। प्यारी प्यारी लिपस्टिक का कलर भी बहुत प्यारा है, मैंने भी एक बहुत सुंदर लिपस्टिक ली। इसके लिए मैंने लिपस्टिक ली थी। तेरे होंठ आज बंद नहीं करेगी, दांत देख सारे कैसे कर लिए, छुल्ली लुली ले। अरे बाप रे, आज छुट्टी था तो मजे कर रही है। जुकाम हो गया है? सोपिल भैया को भी मुझे भी, तू ये पहन के आई बेटा, ठंड तो लगेगी ना। गर्मी है, नाक में तेरे जुखाम भरा पड़ा है, बोल रही गर्मी है। इसको नहलाती भी है डॉल को? अभी ठंड है ना तो इसको नहीं नहलाती है ना। आज तेरा मन कैसे कर गया कि अभी जाना है सोपिल भैया के घर ऐसे ही बैठे बैठे? चलो हम नीचे चले। हाँ। चलो। वो आज ना सुबह सुबह उठ के चली गई थी मैं डॉक्टर के पास,
क्योंकि बहुत दिन से सोच रही थी आज जाऊंगी कल जाऊंगी, ऐसे कर करके ना एक महीना बीत गया जुखाम वाली दिखाने के लिए, और कुछ नहीं दिक्कत था। तो आज गई थी डॉक्टर के पास, पहले गई झाड़ू कर ही रही थी, फिर मैंने कहा चलो यही का काम कर लेती हूँ। आज मुझे ना नाक में गंध नहीं लग रहा था, लेकिन आज मुझे दूध फटा फटा सा अजीब सा दूध का लग रहा है मुझे गंध, पता नहीं क्या, चाय फट ना जाए सुबह सुबह वाली ये लग रही है। तो कल भी ये टमाटर, ये वाली टमाटर ना शाम को ले आई थी उधर से कि सब्जी में डालने के लिए चाहिए, तो देसी नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है, तो ये भी ले ली थी कब किस चीज़ की ज़रूरत हो जाए। तो मैं वो बता रही थी वो होम्योपैथी दवाई लेने, क्योंकि वो 9:30 तक सुबह बैठते हैं, तो गई थी, उन्होंने अपना कार्ड भी दे दिया है कि जब भी ज़रूरी हो तो आप कॉल कर लेना। ये मंदिर है, मंदिर में ही बैठते हैं, ये उन्होंने दे दिया है, और ये दवाई दिया है सुबह शाम, बोले कि 10-10 गोली सुबह शाम खाने के लिए, बोले लंबा टाइम लगता है ये ठीक हो जाएगा, फिर बोले एक बार ठीक हो जाए तो फिर दूसरे किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप दिखा सकते हो आकर, मेरा अगर मतलब ठीक हो जाएगा 8-10 दिन में ही जुखाम अंदर से क्लीन, तो सिमरन को भी लेके जाऊंगी, क्योंकि थायराइड का और उसका जो सांस वाली प्रॉब्लम हो जाती है ना, जो यहाँ पे धूल उल उड़ती है, तो उसका मेन जड़ से मुझे ख़त्म करना है। ये ले आई हूँ सुबह 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 में क्या ही दिखाती है सब, इसीलिए काम वाम करके मैंने कहा चलो बाद में दिखाऊंगी। और आज मैं बनाऊंगी स्पेशल वाली स्वादिष्ट वाली धनिया पत्ता की चटनी, तो धनिया पत्ता टमाटर देसी वाली उसके लिए चाहिए, हरी वाली मिर्ची चाहिए तो उनके पास नहीं था, तो मैंने कहा लाल ही दे दो तीखा होता है, ये सब इंतजाम कर लिया। आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी पूरा प्रॉपर कैसे बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी। आप बना लो और 3-4 दिन तक फ्रिज में रख के आराम से खा सकते हो। और तब तक मैंने अपना चाय, इधर मेरी लगभग बन चुकी है, मुझे डर लग रहा है कहीं चीनी डालने से फट ना जाए, क्योंकि मुझे गंध सी दो नाक में लग रही है, थोड़ी सी छींक हुई है ना, तो उसमें मेरी नाक भी खुल गया है शायद से लग रहा है, या नाक को पता चल गया कि दवाई आ चुकी है अब नहीं चलेगा। अदरक लेके आई थी, कई दिन से अदरक भी नहीं था घर में, तो ये सब सामान कल लेके आई थी, बस टमाटर और धनिया पत्ता आज मैंने ली हूँ। तो चलो चाय पी लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, और फिर दिखाऊंगी कैसे मैं टमाटर और धनिया पत्ता लहसुन की चटनी कैसे बनाती हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई करना एक बार। तो बने रहिए ब्लॉग के अंदर, लोग बोलते हैं ऐसे मुझे भी बोलना पड़ता है, ब्लॉग के अंदर बने रहिए। तो ये हमारे धनिया पत्ता बन के रेडी हो गया, मैं बताना भूल गई आप लोगों को, तो मैं चलो नॉर्मली बता देती हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं है। इधर सेम की फली और आलू की देसी टमाटर डाल के मैंने सूखी सब्जी बना ली, और ये देखिए मैंने गुड़ भिगो के रखी थी, तो मैंने गुलगुला गुड़ में गुड़ खूब सारा डाल दी थी, और चीनी भी थोड़ा डाल करके, और इसमें आटा डाल कर मिक्स करके मैंने गुलगुला बना ली। ये गुड़ का होता है धनिया पत्ता चटनी के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। इधर मैंने दाल चढ़ा दी, तो चलो अब मैं बताती हूँ धनिया पत्ता चटनी कैसे बनाई। धनिया पत्ता की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, टमाटर लहसुन और हरी वाली मिर्च तीनों को अच्छे से धो करके, और किसी बर्तन में आप गर्म पानी चढ़ा दो, उसमें डाल दो, बस 5 मिनट उसको उबाल आने दो अच्छे से, वो देखना टमाटर अपने आप ही सीधे हो जाता है, 5 मिनट में ढक्कन कर देना, खोल करके सब उसमें डाल देना मिक्सी में, और धनिया पत्ता डाल करके नमक स्वाद अनुसार डाल करके आप पीस लेना। आप कच्चा भी पीस सकते हो ऐसे सब कुछ, लेकिन उसका टेस्ट अलग होता है, और ये करके देखना एक बार इसका टेस्ट अलग होता है। तो चलो जी अब मैं जा रही नहाने, और नहा के आती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोग से। सब मैंने काम क्लीन कर दिया है किचन का, ये आप लोग देखिए किचन में सामान ही इतना है ना, और किचन इतना लंबा चौड़ा नहीं है, ये स्लैब और एक लंबा होता ना, तो सामान रखने में दिक्कत नहीं होती। तो चलो फटाफट नहा लेती हूँ, मैं पूजा करूँगी।